कैंट थाने में पदस्थ ASI राजेश भिलाला की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सह उप निरीक्षक राजेश भिलाला से नाराज होकर पत्नी ने कैंट थाने के अंदर जमकर हंगामा किया। महिला ने बताया कि उसका पति राजेश भिलाला गुना पुलिस में ASI के पद पर तैनात है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्रताड़ित और मारपीट कर रहा है। प्रताड़ना से तंग आकर महिला अपने बेटे के साथ माता पिता के घर इंदौर रहने चली गई थी, लेकिन जब महिला अपने बेटे को परीक्षा दिलाने गुना पहुंची तो आरोपी पति ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। महिला ने इसकी शिकायत कैंट थाने में की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। पीड़ित महिला ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए कैंट थाने में हंगामे की रिकॉर्डिंग भी की है। पीड़ित महिला ने पति राजेश भिलाला के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसकी मदद नहीं की। इस मामले में पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। महिला के पति ASI राजेश भिलाला ने पारिवारिक मामला बताते हुए चुप्पी साध ली है। शादी हुई जब से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति अभी ASI पोस्ट पर है कैंट थाने में। अभी मैं 5 महीने से इंदौर गई थी, इन्हीं पुलिस वालों के कहने पे मैंने 101 कैसे भी कॉल किया था, उसको उस अपील को मतलब वापस लेने के लिए इन लोगों ने मुझे बोला कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम हैंडल कर लेंगे, अभी तुम राजीनामे ले लो। मैंने सर अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। उसके बाद मैं 5 महीने इंदौर रह के आई हूँ सर। मैं वहाँ पर जॉब करती हूँ, मेरा एक छोटा सा बेटा है सर, तो उसके पेपर चल रहे हैं अभी बंदा स्कूल में, तो इसलिए मैं आई। तो सर है ना, मेरे हस्बैंड अभी मुझे निकाल रहे हैं धक्के दे के घर से, यूँ कह रहे हैं यहाँ से जा, और मुझे मार रहे हैं और मेरी मम्मी को भी मारा सर। और मेरे घर पे छोटा सा बेबी है, बच्चा है, वो बहुत परेशान है सर। और ये पूरे कैंट आने वाले ने पहले भी मेरा नहीं कुछ सुना था और अभी भी मुझे भगा दिया सर। किसी ने मेरी कोई भी सुनवाई नहीं की है सर, बिल्कुल भी। क्या नाम पति का? ASI राजेश भिलाला। क्या पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही अभी सर? बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है सर। पहले भी नहीं किया था सर, 5 महीने पहले मैं आई थी, जब मैंने मेरे को हाथ उठाने वाली वीडियो भी इनको दिखाई थी, तब भी इन्हें मेरी सुनवाई नहीं की। मैं SP साहब के पास गई थी, वहाँ से उन्हें बोला कि आप जाइए आपकी कंप्लेंट लिखेंगे। SP साहब की अपील के बाद भी इन्हें मेरी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं की थी सर। अभी क्या आश्वासन दिया कुछ आपको? सर आश्वासन नहीं दिया। हम लोग जैसे ही गए सारे पुलिस वाले हम पे चढ़ने लग गए, बोले कि जाओ वो नहीं रखेगा, उसका क्वार्टर है और ये तुम कौन हो तुम्हें नहीं रखेगा। मैंने बोला मैं कौन हूँ, कि हमें नहीं पता तुम कौन हो, यहाँ से जाओ, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। हमने ऊपर बात करी SP साहब से? सर मैंने SP साहब से अभी फोन लगाया है, लेकिन उनका नंबर बिजी जा रहा है और वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। मैंने उनको मैसेज तो कर दिया है सर, बट उन्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया अभी कुछ। पीड़ित महिला ने बताया कि उसने प्रताड़ना की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी की थी, लेकिन कैंट थाने में पदस्थ महिला सब इंस्पेक्टर ने बहला फुसला कर शिकायत बंद करवा दी। न्याय की उम्मीद लिए महिला दर दर ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन पुलिस महकमा खुद महिला को ही गलत ठहराने में जुटा हुआ है। Time 8 मध्य प्रदेश के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं Time 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने Time 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।